सदस्यता अभियान की धीमी गति के चलते राजस्थान में भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने गुरुवार को बैठक की तो शुक्रवार को राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बैठक कर सदस्यता अभियान की गति देने के पदाधिकारियों का आह्वान किया। राजस्थान में भाजपा का सदस्यता अभियान गति नहीं पकड़ पाया है। इसके चलते सत्तारूढ़ भाजपा को अब चिंताएं सताने लगी है, क्योंकि उपचुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है और उसके बीच कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं होना भाजपा के लिए चिंता का विषय है। सदस्यता अभियान को गति देने के लिए आयोजित तो होने वाली बैठकों के दूसरे दिन भाजपा कार्यालय पहुँचे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से जब पूछा गया कि बीएल संतोष ने सदस्यता अभियान की गति कम होने पर नाराजगी जताई है, तो उन्होंने कहा कि परिवार का मुखिया जब आता है तो वह यही कहता है कि बहुत कम है, आगे बढ़ो, प्रगति करो। आज हर परिवार में यही स्थिति है। कई क्षेत्र में बहुत अच्छा काम रहा है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र में कमी है जहां लोग चुनाव में लगे हैं और अब सब मिलकर काम कर रहे हैं। मदन राठौर ने हरियाणा में जीत का दावा किया। राहुल गांधी के हरियाणा में भाजपा को स्वीप करने के बयान पर कहा कि वो तो देश में भी 99 पर आकर फंस गए। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ है और काम कर रहे हैं और रोज काम कर रहे हैं और फाइलें निकाल रहे हैं। हरियाणा में हम सरकार कर रहे हैं, कांग्रेस तो अपने दावे कर रही है। कांग्रेस दावा नहीं करेगी तो फिर कैसे उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी? तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्वीप कर रहे हैं हम हरियाणा को, इस तरीके से बीजेपी का जो जोर तो सामने देश में भी स्वीप करना चाहते थे, 99 पे आके अटक गए, 99 के भेद में फंस गए। वो शादी आना है, क्या लगता है वो बंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, लाल टपक रही है, किरोड़ी लाल जी काम कर रहे हैं, अभी हम साथ में ही थे, इतनी देर तक हम काम ही कर रहे थे, सरकार का ही काम कर रहे थे। वैसे मना क्यों नहीं पा रहे उनको, क्योंकि मंत्री के रूप में, क्योंकि विभाग एक विभाग पूरा खाली पड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट खाली नहीं पड़ा है। आप पता कर लीजिए, रोज काम कर रहे हैं, रोज फाइलें निकाल रहे हैं मंत्री जी। वही राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सदस्यता अभियान की धीमी गति पर कहा कि हम क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर विश्वास करते हैं, धैर्य और लोकतांत्रिक तरीके से कार्यकर्ता जोड़े जाएं, इस कार्यनीति पर हम विश्वास करते हैं। राजस्थान में सदस्यता अभियान की प्रक्रिया से मैं संतुष्ट हूं। प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर भी विश्वास करते हैं। हम बहुत धैर्य के साथ पूरे लोकतांत्रिक तरीके से और पूरे विकेंद्रित तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ता जोड़े जाएं, इस कार्यनीति पर विश्वास करते हैं। और इसलिए हम लोगों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की, भाजपा की रीत नीति से अवगत कराने की, एक प्रामाणिक तरीके से सदस्यता कराने की, ये सारी प्रक्रिया चलती है। जो गति यहाँ चल रही है मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतिहास कायम करने जा रहे हैं। बहरहाल सदस्यता अभियान भाजपा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि राजस्थान भाजपा अपने पड़ोसी राज्यों से भी काफी पीछे हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि इन बैठकों का दौर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह भर